नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं। जी दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं। और दोस्तों यूपी में काफ़ी जगह पर लगातार बरसात हो रही, पर दिल्ली में कल रात का मौसम गड़बड़ बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं। हो सकता है नेट ने भी यहाँ पर बारिश दिखा दी 2 दिन की, हो सकता है दोबारा फिर चक्रवात का असर आ जाए, पर अभी तक तो नहीं है। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला। और डॉक्टर दुलीचंद जी का भी कल फोन आया तो उन्होंने फिर मैं भूल गया जी, दिमाग की मेमोरी इतनी कमजोर है, फिर लोड ज्यादा है जी। कुछ बंगाल के बारे में बताया था कि बंगाल में भी आलू जाने लग गया, वहाँ पोर्ट से बहुत ज्यादा आलू जा रहा और थोड़ा बहुत यानी काफी संख्या में डिमांड है आलू की बाहर बंगाल के लिए भी। बाकी कन्फर्म कल की वीडियो में पूछ लूंगा मैं उनसे या आपके साथ बात ही करवा दूंगा। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, यहाँ पर क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली जी। भाऊ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाऊ जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, गाड़ियाँ कल से कम है ज़्यादा है जी। बैठो राणा जी, बैठ के बनाते हैं। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो लिस्ट आई है, हाँ जी, 141 गाड़ी की लिस्ट है बैलेंस मिला के। अच्छा जी, तो बैलेंस कितनी है जी इसमें? बैलेंस इसमें 28 गाड़ी लिखी हुई है कल की। 28 गाड़ी बैलेंस, हाँ, तो उसको जोड़ मिला के 141 है। तो मुझे कितनी आई जी ताजी, फिर फ्रेश बैठी जी है 115-20 गाड़ी समझो, समझ लो जी, फिर ये 30 गाड़ियाँ फालतू आ गई है। हाँ, तो ये 150 गाड़ी के आसपास अराइवल है और हमें घर से आए हुए समझ लो 1.5 घंटा हो गया, 7 बजे मैं जहाँ पहुँच जाता हूँ, ठीक है, 8:30 होने को है। ग्राहक नामात्र है बिल्कुल, हमारी मंडी का जो ये लिस्ट निकलती है ना राणा जी, मैं आपको बताऊं, ये पूरे जो भी आलू के व्यापार करने वाले हैं, चाहे यूपी में है, चाहे पंजाब में है, चाहे किसी जगह भी है, ये लिस्ट वहाँ पहुंच चुकी है। अरे हम तो यहाँ जूते के सारे आ गए, लोग तो इस लिस्ट को देख के सुबह से 5 बजे वीडियो बना देंगे। जो इस मंडी के अंदर ग्राहक आता है उनके घरों में भी पहुंच चुकी है, ठीक है जी। तो इस लिस्ट को देख के ग्राहक आराम से सो के नाश्ता पानी बढ़िया तरीके से करके फिर आएगा, ठीक है जी। तो ये जो अराइवल है वो ज़्यादा है, और क्यों ज़्यादा है मेरी समझ से बाहर है। क्या आप इनको शुगर फ्री वाली होनी चाहिए, इस चीज़ की घबराहट हो जाती है चारों तरफ? घबराहट कोई नहीं है राणा जी, स्टोरों में इतनी भयंकर तेजी है मैं आपको बता नहीं सकता। ये शुगर फ्री वालों को क्या खा रहा जिनको, जो पहले हालात थे ना, जो आप खूब आपने शोर मचाया 1400 की पर्चियाँ, 1500 की, 1300 की, वो दोबारा हालात बन गए हैं वहाँ पे, जो कि गलत है। और ऐसे हालात बनने के बाद भी अराइवल है मंडी में, ये हमारी समझ से नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे कोल्डों में भयंकर तेजी हो गई है। तो मैं यही कहूँगा अपने किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, कि समय भी घटता जा रहा है, हर चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है जी। मतलब अफवाहें नहीं फैलानी, गलत तेजी नहीं करनी, उससे पूरे हिंदुस्तान का नुकसान होगा, खाली अलीगढ़ आगरा सादाबाद क्षेत्र का नहीं होगा, इससे पूरे हिंदुस्तान का सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आलू कोल्डों में दिसंबर तक पहुंचे, रुक जाए, इतना लंबा खिंच जाए, उससे क्या होगा, सारा मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है जी। वो जो है वो सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा, ठीक है। वो नए को भी ले डूबेगा, आगे कच्ची फसलों को भी ले डूबेगा। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 15 नवंबर इसकी डेट जो है वो बेस्ट डेट है, 15 नवंबर, ठीक है जी। तो 15 नवंबर से हमें आगे नहीं जाना, ठीक है जी। तो 15 नवंबर से आगे जाते हैं तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन यह कि कहीं कहीं की खबरें आ रही बुआई लेट है, यूपी में बुआई लेट है, होशियारपुर में लेट है, 15 नवंबर नहीं तो आप 25 नवंबर तक पहुंचो, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है जी। मैं पंजाब में था, अभी गया हुआ था, माता चिंतपुर्णी के माथा टेकने गया था, फिर एक दो किसानों से भी मिल के आया, अपने गाँव में भी होके आया, तो हमारे वहाँ अपनी आंखों से देख के आया हूँ मैं, 12-13-14 तारीख से भयंकर बुआई है वहाँ, भयंकर, जो 12-14 गई जी है, जो निकल के गई है अभी ये सितंबर, ये तो 2-3 दिन गए जी फिर, हाँ, तो ये तो समय पड़ा जी फिर, हाँ, अभी तो लगी वो, फिर वो पैदा निकलेगी राना चलेगी। राणा जी आप बात को समझो,
12 सितंबर का आलू लगा हुआ 60 दिन में 12 नवंबर को दिल्ली में होगा। 60 दिन ही तो करते हैं वो, ठीक है जी, है ना। कुछ किसान तो इसकी फसल तगड़ी होती है, खूब माल खिलाया होता है, दवाइयाँ खाद वगैरह बढ़िया डाली होती है, तो 55 दिन में भी खोद के ले आते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये है कि जैसे आप भी बादल बन रहे हैं, यूपी में मैसेज आ रहे हैं कोई चक्रवर्ती तूफान है, वहाँ अभी पूरा सितंबर एंड तक खूब बारिश दिखा रहा हूँ उनका मौसम विभाग, तो कुदरत कुछ भी कर दे उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा नहीं रिस्क लेना चाहिए। ऊपर वाले ने बहुत अच्छे रेट दिए हुए हैं, इस आलू को धीरे धीरे बेचना चाहिए। ये दबाव पड़ रहा है क्या, जो बैलेंस बचता जा रहा दबाव है जो ऊपर से भी इससे कम ना बेचो जी? नहीं, दबाव भी है और सेल की भी है। हमारी मंडी में जहाँ 65-70 गाड़ी सेल होती थी, वो 80-85-90 तक पहुँच जाएगी, ज़्यादा जोर मारेंगे 100 पहुँच जाएगी, 150 थोड़ी बिकने लग जाएगी, ठीक है ना, बचेंगी फिर वो। हाँ, तो अराइवल ज़्यादा है और कुछ पीछे से दबाव भी होता ही है, महंगे सौदे किसी ने खरीदे हुए हैं उसको ध्यान से बेचना होता, दबाव भी है। अब राणा जी, आज पीछे बहुत तेजी है कोल्डों में, हमें भी पता है, तो हम मंदा कैसे बेचें, उसको दबाव भी बोला जाता है। तो कुल मिला के आलू को बेचते रहें और घबराहट भी नहीं फैलानी, जैसे आज दिल्ली में 150 गाड़ी करी है, ऐसे भी नहीं चलना, मंडियां भी नहीं भरनी ना जी, 100 गाड़ी बहुत है जी। हाँ, आलू को 90-100 गाड़ी, आलू को रोकना भी नहीं है, इसको दिसंबर तक नहीं लेके। असल चक्कर यही शुगर फ्री का पड़ गया जी, शुगर फ्री ज्यादा है और जगह बिकता नहीं, यही के लिए ज्यादा है जी, दिल्ली एनसीआर के लिए ज्यादा माल है बस। हाँ, और जगह के लिए तो पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा जी, खा जाएगा, यही ज्यादा है जी, इनको बाहर भी ट्राई करना चाहिए इसका। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ राणा जी, व्यापारी भाइयों से, कि जो आप कोल्डों में सौदे एडवांस में कर रहे हो वो सोच समझ के करें, ऐसा ना हो आप लोगों को नुकसान हो, ठीक है जी। रेट बनने में टाइम लगे, आपके दिमाग में है कि नवरात्रों में 1500 बिक जाना, 1800 बिक जाना, आप देखो कोई ना कोई तो वजह है, जो वो खरीद रहे हैं उनको 15-20 दिन का मार्जिन होता है। आज कोई व्यापारी 1200 रुपये का आलू सपोज 37-97 वहाँ खरीद रहा है, तो मंडियों में तो रेट अभी बना नहीं है, ठीक है। चलो बन भी गया BIP आलू को, इक्का दुक्का 1200 की गाड़ी बिक भी रही है, तो रिस्क तो है ना, वो तो ये सोच के ले रहा होगा कि आने वाले समय में 1400-1500 बिकना है। आज तो बड़े बढ़िया शानदार माल आए जी। हाँ, आलू बढ़िया आए हुए हैं। अपने पास गाड़ियाँ कितनी है जी? अपने पास 3 गाड़ी है, अच्छा, एक LR की है और 2 कोल्ड की है। ये LR कहाँ का है जी? LR पंजाब का है, ये भी और ये भी, ये वहाँ का सूर्या है। अच्छा जी, और ये LR है, 2 ये सूर्या गिल्ला नहीं पड़ा जी वहाँ का? ये वहाँ से गिल्ला ही आता है, पंजाब से गिल्ला भेज देते हैं। अच्छा जी, तो LR तो वैसे हमारी मंडी में आता ही गीला है, बिकता ही गीला है, इसमें कोई टेंशन नहीं। आज के LR के बाजार क्या चल रहे जी इसके? LR के पंजाब के बाजार है 900 से लेकर 1000 रुपए के, और ये सूर्या जी है, और यूपी के LR के बाजार है 1000 से लेकर 1100 रुपए। अच्छा जी, और गुजरात के LR के बाजार है नीचे में 1100-1200 जो पास नहीं होते टिक्की विक्की के, ऊपर के जो हैं ये समझ लो 1300 से लेकर 1400-1450, ठीक है जी, जो पास हो जाते हैं, जिनके वेफर बन जाते हैं, जिनके वेफर नहीं बनते वो 1100-1200 की पोजीशन, ठीक है जी। और ऐसे ही हम चलते ये पंजाब का सूर्या बताओ जी, भूल पंजाब का सूर्या भी मेरे को पहले दिन आया है, देखते हैं क्या पोजीशन होती है। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल क्या वो बिकना चाहिए भाई साहब, अंदाजा 1000-1050 बिकना चाहिए। और जो यूपी वाले हैं सूर्या जी, यूपी वाले सूर्या जो हल्के से हल्के हैं उनकी पोजीशन है 1100-1150 रुपये, अलीगढ़ साइड के बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत फर्क आ जाता है। हम रेट कभी भी हमें चंदौसी के नहीं बताने चाहिए सिर्फ, अगर हम चंदौसी के रेट बताते हैं उसके साथ अलीगढ़ के भी बताने चाहिए, क्योंकि हमें आपकी वीडियो बनने के बाद आपके जो फॉलोअर है बहुत ज़्यादा हैं, आपको पसंद करने वाले, आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ही वो आपकी वीडियो सुनते हैं हम लोगों पे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, तो हमें डिटेल वाइज ही बताना चाहिए, वही मैं आपको डिटेल वाइज बता रहा हूँ। अलीगढ़ से स्टार्ट होता हूँ, वहाँ के सूर्या जो है नीचे में 1100-1150 है, जो गोल दाना है जब मोटी टपक है, वहाँ के BIP सूर्या जो है वो 1200-1250 है। ऐसे ही सूर्या जो चंदौसी साइड के है नीचे में 1400 है, बहुत हल्का होगा 1350 होगा, ऊपर में 1500-1600 तक का सोमवार और शनिवार, आज हो सकता उसमें भी 50 रुपये का डाउन रहे, ठीक है, तो 1500-1550 तक उसकी पोजीशन है BIP सूर्या की चंदौसी साइड की, ठीक है जी। ऐसे ही जो चिप्सोना है आगरा क्षेत्र के, जो जिसमें सारा कुछ आता है, अलीगढ़, इतराज,
हाथरस, खैर, बुरसान जितने भी साचनी वगैरह के इलाके आते हैं वहाँ के चुपसोना 1100 से लेकर 1250 तक, और चंदोसी के चुपसोना है 1200 से लेकर 1400 रुपये तक। ठीक है जी, ठीक है जी। ऐसे ही 3793 है, 3793 नीचे में आज भी 1050 है पोजीशन, अलीगढ़ इगलास साइड के आगरा क्षेत्र के जितने भी मंडल है, ऊपर में 1150। ठीक है जी। कोई बहुत वीआईपी गाड़ी हो जिसमें नज़र ना टिके, बहुत हसीन जिसको बोला जाता है माशा को ले जाएँ, शायद 1200, वो भी शायद कह रहा हूँ, नहीं तो हाईएस्ट 1150। ठीक है जी, इससे ऊपर नहीं है। चाहे किसी को मेरे रेट गलत लगे, किसी को अच्छे लगे, लेकिन हम झूठ बोल के माल नहीं मंगाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। नीचे में 1050 है, ऊपर में 1150। ठीक है जी। ऐसे ही अपने गोलियां गुल्ले हैं, 3793 का गुल्ला है, नीचे में 900 है, ऊपर में 1000-1050 रुपये तक है। ठीक है जी। सूर्या का गुल्ला है, नीचे में 1050-1100 है, मतलब नीचे में 1000 है, हाईएस्ट 1100-1150 रुपये। ठीक है जी। चुपसोने के गुल्ले भी आलमोस्ट यही रेट है। गोलियां हैं नीचे में 650-600, ऊपर में 700-750। ठीक है जी। तो ये पोजीशन है, ये हालात है। बाकी फिर मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि हमारे व्यापारी भाई जो कोल्डों में सौदे ले रहे हैं, अपना सोच समझ के लें, खूब विचार करके मन से सारी जगह से रिपोर्टें लेके क्या हालात बनेंगे, क्या कुछ होगा। आज 18 तारीख हो गई है सितंबर की, और पहले नवंबर के पहले हफ्ते दिल्ली मंडी में नया आलू आ जाता है। अगर मौसम ने ठंडक, जैसे ठंडक बढ़नी स्टार्ट हो गई है, आलू बोए गए हैं उसके ऊपर खूब ठंडक बनेगी तो आलू भी बड़ी स्पीड से मोटा होता है, तो नवंबर के पहले हफ्ते नहीं जोर मारेगा, दूसरे हफ्ते जोर मार देगा। आलू रुकता नहीं है राणा जी, आलू ने आना ही है। हम कितना भी कह दें डूब गया, मर गया, कुछ हो गया, एक तरफ किसान का नुकसान ये है कि ज़्यादा फ्लो में ना, थोड़ा थोड़ा चलेगा, अगेता पिछेता चलेगा, अब की बार अगेता पिछेता चलेगा। और यूपी भी थोड़ी सी लेट हो रही है, अभी यूपी में बारिशें और दिखा रहा है मौसम। मेन तो मार्केट को जो कवर करता है नया आलू यूपी का करता है, बाद में आके बाद में यूपी का करता है, लेकिन पहले जो पूरा छा जाता है आसपास के इलाकों में। देखो होशियारपुर से जब शुरू होता है ऊना से, उसकी लोडिंग सबसे पहले दिल्ली आगरा होती है, उसके बाद झांसी हो गया, बनारस हो गया, अहमदाबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया, फिर वो दूर तक जैसे पकना स्टार्ट होता है उसकी दूर तक मार होती है। वो अपना 2 महीने नवंबर और दिसंबर पूरा जोर दिखाता है। ठीक है जी। और अगर कहीं यूपी एडवांस निकल आता है तो रेट एकदम से टूट जाते हैं नए के। ठीक है। यूपी में जैसे इस साल गैप नज़र आ रहा है, यूपी लेट है और पंजाब टाइम पर आता है, तो पंजाब को भी रेट मिलेंगे और यूपी को भी मिलेंगे और स्टोर वालों का भी भला हो जाएगा। बस 100 बातों की एक ही बात यह है भी दिल्ली में अराइवल जो 100 के आसपास रखे बस, बाकी सबसे बड़ी सब का भला है जी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है राणा जी, आप 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले जब 200 रुपये का 150 का मंदा आया था, हम लोग तो उदास थे ही, आप भी साथ साथ बहुत उदास थे। आपने कहा मैं इस रेट को खींच के ऊपर लेके जाऊंगा, मेरा कितना भी जोर लग जाए मैं इस रेट को वापस पहुंचाने की कोशिश। क्षेत्र बड़ा है जी, सब बंदे सब को फॉलो करते हैं, हर बंदा एक की बात नहीं मानता जी। तो आप बड़ी घर वाले नहीं मानते जी, सारे घर के नहीं मानते जी, एक बंदे की बात तो जी। तो इस बात के अंदर आपका भी पूरा जोर लगा हुआ था कि जहाँ से रेट वापस हुए वहाँ पहुँचने चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि दोबारा रेट कम बैक हुआ जी, वहाँ तक रेट पहुँचे, आपकी दुआएं हमारी दुआएं किसान भाइयों की डर दुआओं से पहुँचे। जो यूपी के स्टोरों को देखे ना और यूपी की मंडियों को, पूरे देश को, तो ये लगता है कि आलू जो है 2000 का बिकेगा। और जब दिल्ली आजादपुर मंडी को और दिल्ली NCR को देखते हैं, फिर अराइवल मना करने के बाद आ जाती है, क्योंकि भेजने वाले पागल तो नहीं है। बिल्कुल, रिपोर्ट देख के ही भेजते हैं वो, उनको पता है क्या जो कि काम करने वाले, फिर यहाँ के डर सा लग जाता है, घबराहट हो जाती है जी। एक बस यही चक्कर है, और कुछ ये चाह रहे हैं, ये इस काम को व्यापार बोला जाता है। जो किसान भाई आलू वहाँ बेच रहा है, व्यापारी खरीद रहा है, उसको हम लोग व्यापार कहते हैं कि व्यापार कर रहे हैं। पर एक चीज का डिफरेंस जरूर पड़ गया जी, कम से कम 10% किसान एक्स्ट्रा अपना आलू खुद लेके आने लग गए मंडी में जी। तो मैं यही बता रहा था कि इस जो हम कार्य कर रहे हैं, सवेरे उठ के घर से
हम भी व्यापार कर रहे हैं, वो भी व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको व्यापार रहने दे, व्यापार ही इसका नाम चलने दे, इसको बदल के स्टोरिया मत बनाए, बोलो स्टोरियो वाला काम नहीं करना है, व्यापार को व्यापार के तरीके से करें, ठीक है जी, मतलब ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी कि मैं 1400 का ले लूँ, 1500 का ले लूँ, 2500 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता, अगर हम लोग जानते होते तो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गरीब ना होता, ठीक है जी, तो इसलिए अपना सोच समझ के कार्य करें और बाकी सब ठीक है, धन्यवाद आ रहे हैं, उनको आलू दिखाऊं राणा जी, ठीक है, दिखाओ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जी राम लवाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आजादपुर, मेरा मोबाइल नंबर है 98-111-55-767। मेरी बात राणा जी किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना काम छोड़ के व्यापारी खड़े आपके पास सौदा लेने वाले, आप इंटरव्यू दे रहे जी, बिल्कुल, तो मैं सच बोलता हूँ, सच पे ही रहूंगा, किसी को नहीं भी अच्छी लगे बात तो उससे क्षमा चाहता हूं, माफी जी, पहली एडवांस में धन्यवाद, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, बस ये है हमारे मन की बात, धन्यवाद, धन्यवाद राणा।